आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की जो वनस्पति है ये आपके घर के आसपास पाई जाने वाली वनस्पति है, लेकिन इसके लाभ और इसके प्रयोग नहीं जानने के कारण या इसकी पहचान नहीं होने के कारण हम लोग इस वनस्पति को बेकार समझकर छोड़ देते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस वनस्पति की पहचान करवा दूँ। ये वनस्पति के आप फूल देख रहे हैं, ये जो पुष्प हैं ये लाल है, हालांकि इसके और अलग अलग पुष्प भी आते हैं, इसमें गुलाबी, सफ़ेद और नीले, इस तरह की तमाम जातियां आती हैं इसमें। इसके ये पत्र हैं जो आप देख सकते हैं, इस तरह से इस पे ये पॉइंट्स होता है और ऐसे नुकीली धारियां होती हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसकी कलियां हैं। और इस वनस्पति का नाम जो है वो गुल मेहंदी है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर अब तक आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि अपने आसपास की सभी वनस्पतियों के बारे में उचित और सही जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। और आप सभी से और एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो अपनी राय ज़रूर दें, साथ ही साथ और लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों के लाभ उठा सकें, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हम सब इस ज्ञान से आज वंचित हैं। मित्रों, इस वनस्पति का नाम गुल मेहंदी है और ये प्रायः पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। वर्षा की ऋतु में ये उत्पन्न होती है और लगभग हर जगह आसानी से मिल जाती है। अब मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इसके सीधे सीधे लाभ बता देता हूँ। इसकी कली का गुलकंद या साग बनाकर खाने से काम इंद्री को बल मिलता है। इसके पत्ते और डालियाँ पीसकर जले हुए जगह पर लगाने से आराम मिलता है। जिन लोगों को कांच निकलने की समस्या हो उनको इसके बीज पीस कर लगाने से लाभ मिलता है। ज़्यादातर ये परेशानी आपने बच्चों में देखी होगी। इसके फूल शरीर को ताकत प्रदान करते हैं, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसके फूल का गुलकंद बना लें या फिर ऐसे साग बना लें और खाएं तो आपकी काम शक्ति यानी काम इंद्री को बल मिलता है। जोड़ों के दर्द में इसके फूलों को पीसकर कल्क बनाएं और इस कल्क का लेप करने से लाभ होता है। बवासीर में, बादी बवासीर में खासकर इसका सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। मित्रों, साथ ही साथ इस वनस्पति की एक सावधानी भी रखनी ज़रूरी है, वो ये कि अगर इसके ज़्यादा मात्रा सेवन कर लेते हैं हम लोग तो उल्टी या जुलाब होता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि कम से कम मात्रा में खाएं। और मात्राएं जो होती हैं किसी भी वनस्पति की या औषधि की, बलाबल अनुसार, यानी कि आपके शरीर को जितना आराम से हजम होता है यानी सूट होता है, उतनी मात्रा में ही उस वनस्पति का सेवन करें, क्योंकि सभी को सभी वनस्पतियां सेवन नहीं करनी चाहिए। सभी को सारी वनस्पतियां सूट नहीं करती हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, सभी की प्रकृति अलग है। मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।